चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। जयपुर दिल्ली रोड स्थित निम्स विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में बसंत पंचमी के मौके पर सरस्वती पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ की गई है। सरस्वती वंदना का गान बीबीए द्वितीय वर्ष के छात्र मनीष सिंह ने किया है। सरस्वती वंदना पर तापोशी, वर्तिका और आकांक्षा ने मनमोहक नृत्य यहां पर किया है। वहीं पर इसके बाद में मंत्रोच्चारण के साथ ही पूजा संपन्न की गई है। वहीं पर आस्था तिवारी ने कथक नृत्य से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिसके बाद में एनआईएम एनसी की प्रधानाचार्य ने यहां पर स्वागत भाषण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करी है। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर मानसी त्रिपाठी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं पर ट्रेनिंग प्लेसमेंट अधिकारी आशीष माथुर ने छात्रों को संबोधित कर चौमुखी विकास के बारे में भी जानकारी दी है। साथ ही मैनेजमेंट विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनुपमा ने भी छात्रों को यहाँ पर संबोधित किया। वहीं पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकों ने बसंत पंचमी के बारे में बताकर छात्रों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का मंच संचालन भूमिका और बिट्टू द्वारा यहां पर किया गया। कार्यक्रम के आखिरी में विभाग प्रमुख और सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्थापक डॉक्टर सारिका तारक ने भी मेहमानों का यहां पर धन्यवाद अदा किया है। और इस अवसर पर एसोसिएट प्रोफेसर राज मिश्रा सहित सभी शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहां पर मौजूद रहे। जैसा हम जानते हैं आज बसंत पंचमी है और उसके उपलक्ष्य में हमारे स्टूडेंट्स ने जो आज प्रोग्राम का जो आयोजन किया है, इससे बस मेरा एक ही मैसेज है जो मैं स्टूडेंट्स को देना चाहूँगी, बिकॉज आज विद्या की देवी का दिन है। तो इस मैसेज में बस मैं यही देना चाहती हूँ कि अच्छे से पढ़ें और ग्रो करें और जिस फील्ड में भी जाएँ वहाँ पर बहुत शुमार कमाएँ। निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स ने बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम का आयोजन किया है। मैं पूरे स्टाफ, फैकल्टी और बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया और बच्चों ने कार्यक्रम को जिस श्रद्धा और भाव से बनाया है वो वाकई बहुत सराहनीय है। उन्होंने जो शुरुआत में सरस्वती पूजा करी वो पूरी श्रद्धा के साथ करी और मैं आगे भी चाहूँगा कि बच्चे इस तरह के आयोजन आगे करते रहें और सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेते रहें, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो सरस्वती माँ, जो कि गॉडेस ऑफ नॉलेज कहलाती हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से चलता है।